we are there, we have arrived, we see. So that's more for the women from the economically and socially deprived strata. Ma'am, I would like to ask you now. Ma'am, army mein women ka like abhi ratio compared to men bahut kam hai. And eventually ab dheere dheere army mein kabhi like hum log fighter planes bhi uda rahe hain army mein services mein. And ab आप जैसे सीनियर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं आर्मी में, तो मैम व्हाट हैज बीन द चेंज इतने सालों में आपकी सर्विसेज में, जितना चेंज पिछले जब से इंडिपेंडेंस मिला है 70 सालों में, क्या चेंज आया है आर्मी में वुमेन के लिए? आर्मी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर कंट्री और इसमें महिलाओं का आना एक खुद में एक लैंडमार्क डिसीजन था. The environment in the army, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे प्रति औरतों के प्रति बहुत ज़्यादा वो लोग प्रोटेक्टिव हैं, तो इसलिए बहुत टाइम लगा इस फैसले को लेने में कि महिलाओं की एंट्री करी जाए या ना करी जाए. तो जब ये शुरू हुई एंट्री तो ये ट्रायल बेसिस पे थी कि दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मेरे को भी इस सिस्टम में अडेप्ट होना है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मेरे हिसाब से वो मुझे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं. तो इसको इस विचार को रखते हुए जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने एंट्री शुरू करी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है इस सिस्टम के अंदर, तो आई हैव नेवर डिसाइडेड दिस एज अ वुमन. मैंने जो डिसाइड किया था कि मुझे ये यूनिफॉर्म पहननी है एज अ इंडिविजुअल और इस यूनिफॉर्म को पहनने के साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी मेरे कंधों पर. सो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में व्हेन वी वेंट फॉर द ट्रेनिंग सबसे पहला काम था कि हमारे बालों को काट दिया गया और धीरे धीरे वो 6 महीने के अंदर जब मैं बाहर आई केवल आवाज़ थी औरतों वाली, उसके अलावा मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं पहचान सके. पूरा स्किन टैन हो चुका था, बाल कट गए थे और फिजिकली एकदम पतली, लेकिन आवाज़ में जो बुलंदी थी, जो एक जज्बा था कि मुझे अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गई हूँ और मुझे अपने मेल काउंटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो मेरे जो स्त्री और पुरुष का जो भेद होता है वो यहाँ पर होता है. इट इज नेवर देयर इन द जेंडर, इट इज नेवर देयर. इफ यू थिंक लाइक अ मैन यू आर अ मैन. आई हैव पुट इन 25 years प्लस करे एंड मैंने कभी नहीं ये समझा कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक महिला हूँ. मैं हमेशा ये महसूस करती थी मैं उनमें से एक हूँ और यही वो वजह थी जो जिसने मुझे पुल ऑन किया. लेकिन देखिए सब लोग, मैं आज एक बहुत एक बेसिक सी बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी महिला या लड़की जब इस पेडेस्टल पर पहुँचती है उसकी शुरुआत उसके घर से होती है और उस बच्ची का जो घर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो उसका पिता होता है. वो पिता अगर अपनी बच्ची को इस हिसाब से पाले कि नहीं बेटी तुझे हर जगह उड़ना है, तो यकीन मानिए उसके घर में जो उसके सिबलिंग्स हैं, जो उसके ब्रदर्स हैं, जो उसके और भी मेल सदस्य हैं, वो भी उस बच्ची को उस हिसाब से देखने लगेंगे. तो जो कॉन्फिडेंस है, थैंक यू, तो जो एक स्त्री के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो दुनिया को कॉन्कर कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस उसके पिता देते हैं उसको. सो आज मैं चाहूंगी कि जब आप लोग जाएं वापस, जरूर हर पिता ये महसूस करे कि यस आज वो एक लाइफ को बदलेगा, वो एक थॉट को बदलेगा, वो ये मानेगा कि उसके पास एक बेटी नहीं है, बेटी के साथ साथ उसके पास यूनिवर्स का एक वूम है. दिस वूम जो है ये नर्चर करता है. अ वुमन इज अ कंप्लीट सर्कल. मैं एक महिला हूँ सिर्फ मैं बात करने के लिए, लेकिन मैं अपने दिमाग से अपने जज्बात से मैं आई एम एज गुड एज एनी अदर मेल सिटिंग ओवर हियर और मे बी आई एम नो बट यस आई एम स्ट्रॉन्ग, नथिंग कैन डेटर मी बिकॉज इफ आई डिसाइड. सो विद दिस जज्बा जब हमने, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम बहुत मुट्ठी भर स्त्रियाँ हैं फौज के अंदर. आज लगभग 30 साल के बाद भी ऑलमोस्ट 30 years होने जा रहा है, हमारी नफरी इज 1600. लेकिन जो ये 1600 वीमेन हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग वीमेन, वी कैन डू एनीथिंग. वी जस्ट वॉन्ट कि आप हमें काम दीजिए और आप हमसे काम लीजिए. इसके बियॉन्ड जस्ट डोंट ट्रीट अस वुमेन, वी आर वुमेन एट होम.
But when we come out, we are as good as any one of my counterparts. Thank you.